हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है सिंपल मीडिया, या फिर हम कह सकते हैं इसको बेसल मीडिया भी कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल मीडिया के बारे में बताने वाली हूँ। और इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको जो कल्चर मीडिया है उसका जनरल इंट्रोडक्शन बताया था कि एक अच्छे कल्चर मीडिया की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। इसके अलावा हमने जो इसका क्लासिफिकेशन है वो भी हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा DMLT NMLT के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है सिंपल मीडिया, या फिर बेसल मीडिया भी हम इसको कह सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। सिंपल जो मीडिया होता है या बेसल जो मीडिया होता है उसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। सिंपल मीडिया किसको बोलेंगे हम? सिंपल मीडिया आर कल्चर मीडिया विच कंटेन द मिनिमम न्यूट्रिएंट्स फॉर फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स। जो फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए क्या करता है, मिनिमम न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं सिंपल मीडिया में। ठीक है, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे। तो फास्टिडियस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं ओनली ग्रो इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। जो फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केवल एक स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे अगार हो गया, सेलेक्टिव मीडिया हो गया, ठीक है, इस तरह के जो सेलेक्ट स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या स्पेसिफिक जो कल्चर मीडिया होते हैं उन्हीं में क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोलते हैं फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा जैसे न्यूट्रिएंट्स बोर्ड है, अगार है, इसके एग्जाम्पल हैं पेप्टोन वाटर हो गया। नाउ इसका जो यूज़ है वो क्या है, यूज़ इन द स्टडी ऑफ कॉमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया हैं जो पैथोजेनिक कंडीशन क्रिएट करते हैं जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं उनको स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, कल्चर मीडिया बनाते हैं। जो सिंपल जो कल्चर मीडिया है उसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इट इज़ यूज फॉर सब कल्चर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। जो सर्टेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी कल्चर करने के काम में हम इसको लिया जाता है। अब हम देखते हैं जो न्यूट्रिएंट्स अगार है वो क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स अगार, या फिर किसको क्या बोल सकते हैं, बोर्थ भी बोल सकते हैं, कंटेंट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर। इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट अगार होता है उसमें स्मॉल अमाउंट में शुगर पाई जाती है। एंड कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मोर्टिलिटी। इसके द्वारा क्या किया जाता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसकी मोर्टिलिटी को क्या किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, पता लगाया जाता है। यूज फॉर सॉलिडिफाइंग मीडिया। जो मीडिया है कल्चर मीडिया उसको सॉलिड करने के काम में भी इसको यूज लिया जाता है, न्यूट्रिएंट बोर्ड को या फिर अगार को। इसके अलावा अब आता है पेप्टोन वाटर। पेप्टोन वाटर क्या होता है, इसकी क्या कंपोजिशन है, किस किस से मिलकर ये बना होता है। पेप्टोन वाटर जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, इस तरह की एक बोतल होती है, और इसमें क्या होता है, ये बेसिक लिक्विड मीडिया होता है। और अपीरियंस इसकी कैसी दिखाई देती है, ये क्लियर कलरलेस वाटर होता है। और इसकी जो कंपोजिशन है वो है, इसमें NaCl पाया जाता है, 5 ग्राम NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, और 1 लीटर वाटर में इसको डिजोल्व करके पेप्टोन वाटर बनाया जाता है। अगर हम इसके यूज़ की बात करें, पेप्टोन वाटर के यूज़ की, तो इसका जो यूज़ है वो है एज ए कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन मीडिया। जो फर्मेंटेशन मीडिया में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इसमें हम लेते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको फर्मेंटेशन करने के काम में लिया जाता है पेप्टोन वाटर को। तो ये था हमारा आज का जो वीडियो है वो मैंने आपको जो बेसल जो मीडिया है या फिर जो सिंपल जो मीडिया है उसके बारे में मैंने आपको आज के इसी वीडियो में बताया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में, उस वीडियो में मैं आपको जितने भी कल्चर मीडिया हैं डिफरेंट टाइप्स के उनके बारे में हम
एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।